हेलो ऑल, इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशन के टॉक के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो क्या ट्रिक्स यूज करेंगे? मेल के लिए या बॉय के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे, फीमेल के लिए हम बनाएंगे सर्किल बनाएंगे, सिबलिंग्स के लिए ब्रदर सिस्टर के लिए हम सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, स्पाउस के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर इक्वल टू का सिंबल ड्रॉ करेंगे, और पेरेंट चिल्ड्रन के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पेरेंट चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया? फादर सन, फादर डॉटर, या फिर मदर सन या मदर डॉटर। ठीक है, अब हम इस इन ट्रिक्स को यूज करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ते समय हम ये वाले ट्रिक्स को यूज करेंगे। सो शोइंग ए मैन, अ वोमेन सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक वोमेन ने बोला। ठीक है ना? तो आदमी क्या हो गया, इसको हम नाम नहीं है तो मैन बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वोमेन। ठीक है, हिज ब्रदर्स फादर, तो उसका भाई, ये भी मेल है तो इसके लिए भी रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, उसके ब्रदर के फादर, फादर भी मेल है तो उसके लिए भी रेक्टेंगल बना लिया। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, इज द ओनली सन, ये फादर जो है ये ग्रैंड फादर के अकेले बेटे हैं। और किसके ग्रैंड फादर है? ये इस वोमेन के ग्रैंड फादर है। तो इस वोमेन के ग्रैंड फादर का मतलब क्या हुआ? ये वोमेन इनकी बहन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे क्वेश्चन को। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है, दोबारा पढ़ो। ए वोमेन सैड हिज ब्रदर्स फादर, तो हिज इसके बारे में बात कर रहा है, कर रही है, और ये लेडी बात कर रही है, और हिज ब्रदर्स फादर इसके ब्रदर के पापा। ठीक है, इज दी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, इज दी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो ऑफकोर्स ये तो इसकी, इन दोनों की बहन हो गई। ठीक है, यानी कि ये लोग एक बहन और दो भाई हैं, इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले हमको ये देखना है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो उस मैन की ये वोमेन क्या है? सिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये मैन इस वोमेन का क्या है, क्या लगता है? तो भाई लगता है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्लियरली ये देखना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने ट्रिक्स यूज की है, देखो, हमने रेक्टेंगल बनाया है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर और उस आदमी के लिए, और जो लेडी बात कर रही है उसके लिए मैंने सर्किल बना दिया है। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये भाई भाई सिबलिंग के लिए ड्रॉ की है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिफरेंट जनरेशन के लिए मैंने यूज की है। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को यूज करेंगे, और इस ट्रिक को यूज करके इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे, और जब ये ट्रिक यूज करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सही आंसर निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।